नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा पर संविधान का तिरस्कार करने का बड़ा आरोप। कांग्रेस के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा पर संविधान का तिरस्कार करने का बड़ा आरोप लगाया। कैथल निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि आरएसएस का दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। यह सरकार दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कांग्रेस पार्टी का संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देगी, चाहे उन्हें अपना खून का एक एक कतरा बहाना पड़े। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा का दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। भाजपा का एजेंडा एक ही है, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का तिरस्कार करना। दलितों को, गरीबों और पिछड़ों व आदिवासियों को जो संविधान का अधिकार दिए गए हैं, उनको वे अपने पांव से के नीचे कुचलना चाहते हैं। गरीबों के अधिकारों पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, उनका तिरस्कार करना चाहते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को बयान में जो विभिन्न समाचार पत्रों में छापा गया है, ये इस बात का चश्मदीद गवाह है। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों के संविधान व अधिकारों का खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण को खत्म करने के लिए कहा था। 2014 में भाजपा सरकार ने दलितों के अधिकारों को खत्म करने का प्रयास भी किया, लेकिन कांग्रेस गरीब व दलितों को इनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देगी और न ही आरक्षण से छेड़छाड़ करने दिया जाएगा। हरियाणा में भाजपा के गुंडों ने एक दलित विधायक संतोष चौहान पर दो बार हमला कर चुका है, लेकिन खट्टर सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। वहीं उन्होंने कहा कि एक विधायक को 15 अगस्त के दिन खट्टर साहब के मंच पर से उतार दिया गया। एक अन्य कार्यक्रम में भाजपा के ही विधायक को खट्टर के मंच से बाबा साहेब अम्बेडकर बोलने तक नहीं दिया गया। आप देख रहे हैं पल-पल की ये विशेष रिपोर्ट। पंडित जी, इसको आप कृपया करके रिकॉर्ड करके, अगर उसके स्वयं सेवक संघ का दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। भाजपाई एजेंडा अब केवल एक है, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का तिरस्कार करो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, उनके लिए जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उनको अपने पांव तले कुचलो और गरीबों के अधिकारों पर अतिक्रमण करो, उनका तिरस्कार करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का यह बयान जो आपके समाचार पत्रों में छपा है, वो इस बात का चश्मदीद गवाह है। एक और अखबार की प्रतिलिपि, और मैं ये दोनों अखबारों की प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों के संविधान में आरक्षण और अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के जो अधिकार देश के संविधान ने उनको दिए हैं, उनको कुचलना चाहती है, खत्म करना चाहती है। इससे पहले भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और आरएसएस के प्रचार प्रमुख वैद्या जी, उन्होंने आरक्षण को खत्म करने के बारे में कहा था, और यह बिहार के चुनाव के समय की बात है। मैं उनका बयान आपको पढ़कर उस समय का सुनाता हूं। मोहन भागवत, आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, ये मोहन भागवत जी ने कहा। और मनमोहन वैद्य जी तो उससे भी आगे चले गए, वो तो यहां तक चले गए मनमोहन वैद्य जी कहते हुए कि आरक्षण के नाम पर सालों तक लोगों को अलग करके रखा गया, इसे खत्म करने की जिम्मेवारी हमारी। ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। और अब फिर संघ प्रमुख ने, भारतीय जनता पार्टी ने फिर कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी
बाबा साहब अंबेडकर और करोड़ों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निर्मित, गरीबों के अधिकार देने वाले, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकार देने वाले इस कानून को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, सच्चाई ये भी है, जनता पार्टी की सरकार 2014 से लगातार गरीबों के अधिकारों पर अतिक्रमण और आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रही है। सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों को उनकी आदिवासी, उनकी संख्या के मुताबिक शेड्यूल कास्ट सब प्लान की व्यवस्था की, ताकि सरकार के हर विभाग में इन गरीबों का कोई अनदेखी ना कर पाए। पहला काम मोदी जी और भाजपा ने सत्ता में आते ही किया, इस देश और खट्टर साहब ने हरियाणा में किया, कि हरियाणा और देश से शेड्यूल कास्ट सब प्लान को खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2016-17 के बाद राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े तक रिलीज नहीं कर रही। 2016-17 के आंकड़े जो 2019 में रिलीज किए गए हैं, उसके मुताबिक हर 9 मिनट में इस देश में एक दलित पर अत्याचार होता है, और हरियाणा में तो इससे भी बुरी स्थिति है। हमने ये देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एक दलित विधायिका, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आई हैं, संतोष सारवान चौहान जी, उन पर हमला किया था और उन्होंने उन पर एफआईआर की मांग की थी, पर खट्टर साहब ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। और हाल में ही फिर संतोष सारवान चौहान जी, जो अंबाला से भाजपा की दलित विधायिका हैं, उन पर हमला बोला गया, उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति को भी यह कहकर छोड़ दिया गया, ये मानसिक रोग से पीड़ित है। हम सब ने यह भी देखा कि बिशंबर दास वाल्मीकि, जो एक दलित साथी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें 15 अगस्त वाले दिन मंच से धक्के मारकर उतार दिया गया, और उन्हें यह कहना पड़ा भाजपा का विधायक होते हुए भी हरियाणा में, कि आज भी इस देश में आजादी का एहसास उन्हें नहीं। और हाल में ही खट्टर साहब के मंच पर एक और दलित विधायक, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के समय उनके आंसू रोते रहे, केवल ये कहने के लिए कि उन्हें भी बाबा साहब के बारे में दो शब्द बोलने की इजाजत दी जाए, आदरणीय खट्टर साहब बोलते रहे, उस गरीब की बात सुनी नहीं गई। उदाहरण है, पूरे देश में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं दलितों के अधिकारों पर अतिक्रमण के, और मामला यहीं खत्म नहीं होता। भाजपा की मानसिकता इस बात से भी साबित होती है कि ना हरियाणा में, ना पूरे देश में दलितों और पिछड़ों के बैकलॉग को आज तक भरा गया। अकेले हरियाणा में जो सूचना मुझे है, और सरकार ये स्पष्ट करे, 50 से 60 हजार वैकेंसीज आज भी दलित बैकलॉग की पेंडिंग पड़ी हैं। ना दलितों का बजट में अधिकार, ना दलितों का नौकरी के अंदर अधिकार, केवल मिल रहा है तिरस्कार। और उसके साथ साथ जो संविधान सम्मत अधिकार हैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के, बैकवर्ड के अधिकारों को, दलितों के अधिकारों को छीनने का यह नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। हम मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। आपने SC ST एक्ट भी मोदी जी इसी प्रकार से एक षड्यंत्रकारी तरीके से खत्म करवाया था, ताकि दलितों का जो उत्पीड़न हो उसकी सजा किसी को मिल ना सके। तब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसद रोक कर रखी थी। ये मत समझें इस देश का गरीब अकेला है, इस देश का पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास अकेला है, इस देश का दलित वर्ग अकेला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। और हर बार जब आप इस संविधान के अधिकारों से छेड़छाड़ की कोशिश करेंगे,
जैसा एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कोशिश की थी, हमने तब उसे रोका था सोनिया जी के नेतृत्व में, फिर आपने ये कोशिश की भाजपा ही सरकारों में, हमने तब आपको रोका, और अब ये नया षड्यंत्र लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। ये समझ लें कि वो इससे बचने वाले नहीं, हम संविधान की खून के आखिरी कतरे तक रक्षा करेंगे, इस संविधान को कभी आंच नहीं आने देंगे। भाजपा संविधान से छेड़छाड़ कर संविधान सम्मत अधिकारों को कुचलने का, बैकवर्ड क्लास के, दलितों के, आदिवासियों के अधिकारों को कुचलने का जो प्रयास कर रही है, वो उसमें कभी कामयाब नहीं होने वाली है।